दोस्तों यहाँ पे 165 वाट का हाफ कट सोलर पैनल है। इसमें ये मसला है कि इस प्लेट के वोल्ट सिर्फ 9 आ रहे हैं, एम्पियर जो है वो 6 है। दोस्तों इसके जंक्शन बॉक्स दो हिस्सों में डिवाइड है। यहाँ पे देखें एक तार निकली हुई है और यहाँ पे सिर्फ एक डायोड लगा हुआ है और दूसरे साइड भी इसी तरह ही है। दोस्तों आमतौर पर इसके डायोड उड़ जाते हैं और नया डायोड लगाने के बाद सोलर पैनल काम करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमने दोनों डायोड को चेंज कर दिया उसके बाद भी ये पैनल सही तरह से काम नहीं कर रही है। मेन वजह जो है दोस्तों ये है कि इस साइड पर जो है कोई वोल्ट नहीं आ रहे और इस साइड पर 9 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि दोनों साइड पर 9 या 10 वोल्ट आने चाहिए। ये देखें दोनों साइडों पर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ 9 वोल्ट देखने को मिल रहा है और इसके एम्पेयर देखें आप यहाँ पे 7 एम्पेयर शो हो रहे हैं। एम्पेयर इसका बिल्कुल बराबर है, 7.6 एम्पेयर है, लेकिन वोल्ट जो है वो 9 है। दोस्तों अब इस सोलर पैनल की रिपेयरिंग नहीं हो सकती है क्योंकि इसके जो अंदर में सेल बने हुए हैं उसमें कोई सेल डैमेज हो चुकी है, कोई कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका एक साइड काम नहीं कर रहा है।